रहमानुरहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? तो आज हम बनाने जा रहे हैं पटियाला चिकन। एक न्यू स्टाइल का चिकन है जो बहुत ज़बरदस्त और यमी बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पटियाला चिकन बनाने के लिए हमने चिकन लिया है, उसके अंदर जो बोन पीसेस है उसके अंदर हम कट्स लगाएंगे। हम इसके अंदर इसलिए कट्स लगाएंगे कि जो मसाला हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो जो बोन पीसेज है उसके अंदर अच्छी तरह से जाए, जो मसाला है। तो हमने सारे बोन पीसेज के अंदर कट लगा दिए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट यानी दही। ये होममेड दही है। इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक और जिंजर पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर और अब हम इसको मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करना है हमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और हम इसको फ्रिज में रखेंगे 1 आवर के लिए, यानी ये मैरिनेट करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे इसको 1 आवर। और फिर हमें चाहिए ऑनियन, प्याज, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, गार्लिक पेस्ट, गार्लिक और जिंजर पेस्ट है, टोमेटो, ग्रीन चिली, काजू, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ड्राई धनिया, नमक, ग्रीन धनिया, ब्लैक पेपर, क्रीम, कसूरी मेथी, दालचीनी, इलायची, लौंग और गरम मसाला। और अब हमने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, घी, और हम इसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे चॉप से, इसको हमने चॉप किया हुआ है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, लौंग, इलायची, इसको हम तोड़ के डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और जब देखिए जो ऑनियन है उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और अब हम इसके अंदर चॉप पोटैटोज ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ड्राई धनिया, नमक, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर, और हम इस मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
और हमने मसाले को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर दिया है और हम इसके अंदर जो हमने चिकन जो मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमें इसके अंदर सारा चिकन ऐड कर देना है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और हम इसके अंदर काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। जो हमने जिस पानी में हमने काजू को भिगोया था उसी पानी में हमने इसको ब्लेंड किया है और पानी के साथ ही हमने इसके अंदर ऐड किया है और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी और हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे यानी शिमला मिर्च। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रीन चिली हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटी हुई और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा और हम इसके अंदर इसके ऊपर मलाई ऐड करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।